that kind of evil. तो देखो गाइस, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होने जा रही है जो लोग हॉरर थ्रिलर ड्रामा टाइप की सीरीज देखना पसंद करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राइम वीडियो की ओरिजिनल सीरीज देन के बारे में। जी हां गाइस, इसकी सीजन 2 आने जा रही है। कल के दिन यानी 25 अप्रैल को आपको इंडिया में हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। और कुछ महीने ही पहले इसकी सीजन 1 की जो हिंदी डब है उसे एड कर दिया गया है। तो जो लोग इस सीरीज के बारे में नहीं जानते हैं, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये सीरीज किस बारे में है और क्या आपको ये सीरीज देखना चाहिए नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए। तो सबसे पहले हम इसकी सीजन 1 के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी सीजन 1 अपनी 10 एपिसोड के साथ प्राइम वीडियो पर 2021 में रिलीज हुई थी और उस समय इसकी सीजन 1 को काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। और अभी इस वक्त IMDb पर इसकी जो रेटिंग है वह 7.4 out of 10। कहानी की बात करें तो इसकी जो कहानी है वो सेट की गई थी 1950 में, जहां इसकी कहानी एमोरी परिवार के बारे में बताती है जो एक अश्वेत परिवार होता है और वह एक ऐसे जगह पे शिफ्ट होता है जहां पर उनके चारों ओर गोरे लोग रहते हैं। और बता दूं कि जिस समय इसकी कहानी सेट है उस समय अमेरिका में काले लोगों के साथ काफी बुरा व्यवहार किया जाता था। तो जो भी हो, जैसे ही वो अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं तो उसके बाद से उन्हें काफी अजीबोगरीब चीजों का सामना करना पड़ता है। और जल्द ही उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि वह न केवल भूतों से परेशान है बल्कि वो अपने नाइबर से भी काफी भेदभाव का सामना कर रहे हैं। जी हाँ, सीजन 1 में मेन तौर पर रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन और मेंटल हेल्थ इश्यूज को टेलिक से एक्सप्लोर किया गया है। तो अगर आप इस टाइप की सीरीज देखना पसंद करते हैं तो आप इसकी सीजन 1 को ट्राई कर सकते हैं। और साथ में उन सभी को बता दूं कि इसकी जो कहानी है वो फर्स्ट फेज में नहीं है, यानी थोड़ी धीमी है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बोर भी कर सकता है। तो जो भी हो, अब चलिए जानते हैं इसकी सीजन 2 के बारे में। जी हाँ, इसकी सीजन 2 है वो अपनी 8 एपिसोड के साथ आप सभी को प्राइम वीडियो इंडिया पर 25 अप्रैल को हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। कहानी की बात करें तो अभी ज्यादा डिटेल निकल के नहीं आ पाई है। जो भी निकल आई है उसके मुताबिक इसकी जो कहानी है वो 90s में फोकस करेगी लॉस एंजलिस में, जिसकी कहानी मेन तौर पर एक LAPD फीमेल डिटेक्टिव के बारे में बताने वाली है, जिसे हाल ही में एक बहुत ही डेंजरस और मिस्टीरियस हत्या का काम दिया जाता है जिसे उसे सॉल्व करना होता है। और ये एक ऐसा केस है जिसे काफी एक्सपीरियंस डिटेक्टिव को भी परेशान कर दिया है। तो इसी के बारे में आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी। इसमें भी आपको सीजन 1 की तरह जो सुपर नेचुरल थिंग्स है उनके बारे में जानने को मिलेगी, प्लस इसमें भी आपको रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन जैसे चीजें देखने को मिलने वाली है। तो जो भी हो, अगर आप देखना पसंद करते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो जो भी हो, अभी के लिए बस इतना ही अपडेट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नई वीडियो में। एंटिल देन, टेक केयर।